नमस्ते। आज 26/11 है और हर वर्ष की तरह हम सब भारतीय आज के दिन उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने 26/11 मुंबई के आतंकवादी हमलों में उनसे मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। देश के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्तर में कार्यक्रम किए जाते हैं और उसी प्रकार फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी जो इंद्रेश जी, रेशमा जी और सब मिलकर के चलाते हैं, बहुत खूबसूरत भव्य कार्यक्रम आप करते हैं। पिछली बार मैं आपके साथ में था मुंबई में, हम सब मिलकर के शहीदों को हमने नमन किया था। इस बार भी मैं शहीदों को याद करता हूं, नमन करता हूं और शहीदों के परिवारजनों को भी मैं नमन करता हूं जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है। आज मैं आपके बीच में नहीं हूं लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं और खास करके वहां जो युवा वर्ग के लोग बैठे हैं, जो यूथ्स हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि मेरा सोच, मेरा विचार आपके साथ है और हम सब हर वक्त देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं हर पल किसी भी काम के लिए तैयार हूं और आप जब मुझे याद करेंगे मैं आपके बीच में आऊंगा। आज मैं अलग जगह में एक कार्यक्रम के पहले से तय होने की वजह से आपके बीच में नहीं आ पाया, लेकिन जो थीम जिसको हम लेकर के चलते हैं, जिस चीज को हम मानते हैं, वी डू नॉट फॉरगेट एंड वी विल नॉट फॉरगिव, यानी कि हम अपने शहीदों को कभी नहीं भूलते और हम अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करते। अपना भारत देश को मजबूत करने के लिए हम देश के लिए काम करेंगे और देश के दुश्मनों के साथ भी मुकाबला करने के लिए हमेशा हम तैयार हैं। मैं इस कार्यक्रम में जितने भी लोग आए हैं, खास करके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सबको मेरे तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम के लिए और पुनः आपसे भविष्य में फिर मिलेंगे। इस कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।